चार साल बाद पहली बार शाहरुख खान बतौर एक हीरो एक फिल्म में बड़े पर्दे पे देखे जाएंगे। शाहरुख खान के लिए देखने आए हो कि पठान है या कोई भी फिल्म चले? बहुत अच्छी लगी, मैं अभी कैसे बताऊं। शाहरुख खान के बड़े फैन है हम लोग, शाहरुख खान को भी देखने आए और पठान मूवी देखने भी आए। अभी मुझे एक हफ्ता लगेगा मूवी प्रोसेस करने में। बस आपको देखने को मिल जाएगा, कितना एक्साइटेड होके बाहर लोग आ रहे हैं। चाम गाइस, आपको बता दूं कि मैं शाहरुख खान की सबसे बड़ी फैन हूं और मैंने आज तक उनका कोई भी फिल्म मिस नहीं किया है और जहां तक कोशिश हो सकी है मैंने फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा। ओके इस बार मैं फर्स्ट डे तो पहुंच गई हूं लेकिन फर्स्ट शो बिल्कुल नहीं। इसमें बहुत उम्मीद है, पठान विवादों में घिरा हुआ तो है ही, लेकिन साथ ही साथ चार साल बाद पहली बार शाहरुख खान बतौर एक हीरो एक फिल्म में बड़े पर्दे पे देखे जाएंगे, इसलिए इसकी बहुत सारी एडवांस बुकिंग हो चुकी है, यहाँ हाउसफुल है और मैंने भी बहुत दिन पहले ये टिकट भी बुक किया था। तो अब मैं इंटरवल में कोशिश करूँगी आप लोगों से बात करने के लिए। पठान देखने के लिए, शाहरुख खान के लिए देखने आए हो कि पठान है या कोई भी फिल्म चलेगा? शाहरुख खान को भी देखने आए और पठान मूवी देखने भी आए, दोनों ही देखने आए। चार साल बाद वो शायद इनकी फिल्म आ रही है, कैसे लगे? बहुत अच्छे हैं, बहुत एक्साइटेड है देखने के लिए, देखेंगे फिर उसके बाद बताएंगे। लेकिन इतना कंट्रोवर्सी हुआ है फिल्म को देख के, क्या आपको लगता है ये सब मायने रखता है कि बिना मतलब का कंट्रोवर्सी विवाद हुआ है? ये तो बिना मतलब का ही मतलब विवाद हुआ है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। नहीं भी होता तब भी आप देखते? बिल्कुल देखते हैं। तो विवाद के चलते नहीं देखते हैं शाहरुख खान को? आप फोन पे क्या शाहरुख खान का तस्वीर देख रहे हैं? आप बड़े फैन हो शाहरुख खान का कि कोई फिल्म साथ चलेगा? शाहरुख खान के बड़े फैन है हम लोग, देखने ही आए। अब मैं चलती हूँ अंदर पठान देखने के लिए और मेरा फेवरेट शाहरुख खान को देखने के लिए। देखिए मैं इंटरवल के बीच आ गई हूँ और मेरा क्विक टेक अवे ये है कि पूरा ब्रांड शाहरुख खान का इस पर इस्तेमाल किया गया है, यानी कि स्टंट हो या उनका चार्म हो, उनके गाना बजाना डांस, इन सब का इस्तेमाल किया गया है। उनके लिए तो मुश्किल भी नहीं है, उतना आसान भी नहीं है। आसान इसलिए नहीं क्योंकि अब यंग चैलेंजर्स भी हैं और यंग एक्टर्स भी हैं और इसीलिए शाहरुख खान के लिए ये साबित करना कि चार्म इंटैक्ट है, खान ब्रांड इंटैक्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज है। बट जहाँ तक मैं आसानी की बात करूँगी, इस फिल्म में फुल टू है ब्रांड में जो कहूँगी शाहरुख खान का, उनके पुराने फिल्म्स को यहाँ पर जकराया गया है, जितना चार्म रोमांटिक शाहरुख खान स्टंट मैन और उनके बहुत खर्चा किया गया है, इसलिए हिट तो है। तो शाहरुख खान की फिल्म पठान शो खत्म हो गई है और भीड़ आई है। कुछ कुछ लोगों ने हमें यही कहा कि फिल्म बहुत ही अच्छी थी और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि सिर्फ मैं ही शाहरुख खान की बड़ी फैन हूँ कि और मेरे जैसे बहुत सारे फैंस हैं। अरे तो आप शाहरुख खान के फैन हो? डाई हार्ड फैन, मेरी तरह डाई हार्ड फैन हो। yes. आपको कैसी लगी फिल्म? बहुत अच्छी लगी, मैं अभी कैसे बताऊं। अभी मुझे एक हफ्ता लगेगा मूवी प्रोसेस करने में, मैं अभी फिर आऊंगी, पहले ही हफ्ते दो तीन बार। आपको सबसे अच्छे इस फिल्म में क्या लगा पठान? पठान में अब मैं नहीं बता सकती, लेकिन मुझे एक बात बताओ, लोग कहते हैं कि अब शाहरुख खान बिकम ओल्ड, अब क्यों देखने आना है, गुस्सा आता है ऐसे लोगों पे? चाम गाइस, बस आपको देखने को मिल जाएगा, कितना एक्साइटेड होके बाहर लोग आ रहे हैं। यहाँ तक ये लोग हैं, इन्होंने पूरा थम्स अप दे दिया है पठान को। अब पूछते हैं इनको इस फिल्म में अच्छा क्या लगा, जैसे क्या खास बात है इस फिल्म में। के बाद फिल्म देख ली, सब कुछ हो गया, अब कुछ लोगों से मैं बात करने की कोशिश करती हूँ जो इधर फिल्म देख चुके हैं या फिल्म देखने आए हैं। क्यों देखने आए हो पठान? शाहरुख खान के फैन हो या इतना कंट्रोवर्सी हुआ इसलिए मैं देखने आ रहा हूँ? तो मुझे लीजर टाइम में फिल्में देखना पसंद है, तो कोई भी फिल्म चलेगा? नॉट कोई भी फिल्म, यशराज की फिल्म है बेटर होगी। शाहरुख खान की फिल्म भी तो है? शाहरुख खान की फिल्म है तो जरूरी नहीं अच्छी होगी। शाहरुख खान की फिल्म मुझे रईस नहीं अच्छी लगी थी, मुझे DDLJ नहीं पसंद है। DDLJ आपको पसंद नहीं था? नहीं, रईस भी पसंद नहीं था। DDLJ क्रिंज है। अच्छा चलो, मैं शाहरुख खान के बहुत बड़ी फैन हूँ बाय द वे। मुझे एक बात बता दीजिए, तो फिर आपको इतना कुछ कंट्रोवर्सी हुआ है पठान को लेके, क्या आपको लगता है यही एक कारण है कि कुछ लोग शायद फिल्म देखने आएंगे? नहीं शायद, क्या बिना मतलब का कंट्रोवर्सी था? कंट्रोवर्सी तो ऑब्वियसली बिना मतलब का था। ये क्या कंट्रोवर्सी, आपके कपड़े पे आपके धर्म का नाम लिखा है कि ये कपड़ा आपके धर्म से बिलोंग करता है? अच्छा, चार साल बाद शाहरुख खान फिल्म में दिख रहे हैं, आपको लगता है उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज भी है ये फिल्म सुपरहिट होना? बहुत जरूरी, अब ये फिल्म इंडस्ट्री के लोग बता सकते हैं। आई डोंट हैव एनी क्लू अबाउट फिल्म इकोनॉमिक्स। नहीं, मैं वैसे कह रही हूँ कि आपको फिर पठान आप देखने जा रहे हो शाहरुख खान के लिए नहीं जरूरी, आप बाकी लोगों के लिए देखने जा रहे हो।
लोगों के लिए नहीं, मैं फिल्में देखता हूँ। चलो ठीक, अब दोनों से मैं पूछती हूँ, आप लोग पठान देख के आए हो, मैं भी बहुत बड़ी फैन हूँ शाहरुख खान की, आप लोग चार साल बाद फिल्म आए, उनका काफी कंट्रोवर्सीज भी रहे हैं, क्या वो इम्पोर्टेंट था? नहीं इम्पोर्टेंट नहीं था, मतलब कुछ बॉलीवुड भी कुछ ऐसा कर लेती है किसी किसी मूवीज में, उन्होंने भी काफी गलत कहा, लेकिन इस मूवी में ऐसा कुछ नहीं। अभी भी आपको लगता है वो किंग खान है, बादशाह है, टक्कर, बहुत सारे यंग एक्टर्स भी आ रहे हैं ना आजकल? हाँ यंग एक्टर्स, मतलब किंग खान ही रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, मैं बहुत खुश हूँ। जैसे की मैंने आपको कहा की मैं शाहरुख खान की सबसे बड़ी फैन हूँ, एक बार तो मैंने देख लिया, अब मैं कम से कम दो बार और देखूंगी। और अभी आपने सुना होगा कि यहाँ पे देखिए कितने लोग एक्साइटेड होके बाहर निकल रहे थे। जहां तक फर्स्ट डे फर्स्ट शो की बात है, वहां पे इस फिल्म को थम्स अप मिल गया है, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि इस थम्स अप को बरकरार रखना, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि एडवांस बुकिंग हो जाता है, टोटल सोल्ड आउट हो जाता है, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाता। लेकिन शाहरुख खान का बॉक्स ऑफिस मैजिक आज तक ऐसा रहा है कि फ्लॉप होते हुए भी फिल्म का पूरा कब्जा रहा है, उन्होंने हमेशा से प्रॉफिट बनाया है। लेकिन पठान से बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस हैं, जैसे कि आपने सुना होगा कि जितने भी कंट्रोवर्सीज हुए हैं वो कोई भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि आखिर जैसे कि ऐसे इन्होंने मुझे कहा है किंग खान तो किंग खान ही है।